Assalamualaikum. A very happy, lovely morning. Dear students, how are you all? Fine. Very good. तो जनाब, क्या मूड है आज आप लोगों का? भाई, पढ़ाई करने का कुछ मूड है? नहीं है? ओहो, अब क्या करें हम? भाई, मैंने तो सोचा था आज आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगी, मगर अब आप लोगों का मूड नहीं हो रहा. चले, कोई बात नहीं, आज मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ. आज हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? सिर्फ डिस्कशन करेंगे. ओके ओके, वेरी गुड. अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के सामने ये देखे क्या लेकर आई हूँ. अच्छा, पहले ये बताइए कि भाई, जब आप लोगों की बर्थडे होती है ना, बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी में कितना मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं आप लोग? क्या क्या होता है बर्थडे पार्टी में? भाई, बर्थडे पार्टी में तो बहुत ही यम्मी सा केक आता है, और वो केक किस में आता है? एक बॉक्स में पैक होकर आता है. वेरी गुड. और क्या आता है भाई? बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना भाई, बिस्किट्स होते हैं, और चिप्स होती हैं, और क्या होता है, जूसेस होते हैं, और मैक्रोनीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? मगर हमें सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी पसंद होती है भाई? हमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? हमें गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, isn't it? वो गिफ्ट्स जो बहुत अच्छे से बॉक्स में पैक होके आते हैं, कलरफुल से रैप हुए हुए होते हैं, वो बॉक्सेस तो हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, isn't it? बहुत इंजॉय करते हैं हम, है ना, जब कोई भी हमें गिफ्ट देता है, हमें कितना अच्छा फील होता है. हमें तो भाई उस बॉक्स का ही इंतज़ार रहता है ना आप लोगों को? ये देखिए, तो इसीलिए भाई आज मैं आप लोगों के सामने भी एक बॉक्स लेकर आई हूँ. बॉक्स है ये भाई, ये भी देखें, छोटा सा बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, मगर इस बॉक्स में हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं. भाई, हम टॉयज भी रख सकते हैं इसमें, और ज्वेलरी बॉक्स भी इसमें आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है, इसमें हम पेंसिल्स, रबर्स, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, और क्या है मेरे पास? भाई, मेरे पास है ये डाइस. ये देखिए, ये डाइस है मेरे पास. इस डाइस का क्या शेप है? ये भी बॉक्स की तरह ही हमें लग रहा है ना, छोटा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने बॉक्स ही पकड़ा हुआ है. अच्छा, बताइए इस डाइस से हम क्या करते हैं? भाई, हम खेलते हैं. क्या खेलते हैं? हम लूडो खेलते हैं. याद आया आप लोगों को? हम लूडो खेल रहे होते हैं. अच्छा, इस डाइस पे क्या है? काउंटिंग लिखी हुई है. आप लोगों ने गौर से देखा है कभी डाइस को? भाई, इस पे तो काउंटिंग है, इस पे स्पॉट्स हैं. जब हम उन स्पॉट्स को काउंट करते हैं तो हमें नंबर की वैल्यू मिल जाती है. अच्छा जी, अब ये बताइए कि भाई, ये जो बॉक्स है मेरे हाथ में, आप इसे देखिए, और ये देखिए भाई, ये कौन सा शेप है? ये सॉलिड शेप है. कौन सा शेप है? सॉलिड शेप है. और इस शेप का क्या नेम है? इस शेप का नेम है क्यूब. क्या है? क्यूब. रीड विद मी, क्यूब. वन मोर टाइम, क्यूब. वेरी गुड. अच्छा जी, अब और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं क्यूब शेप में? भाई, हमें आइस भी मिल सकता है. छोटी जो क्यूब की ट्रे होती है, उसमें जब हम वाटर को डालकर फ्रीज करते हैं, जब हम उन्हें निकालते हैं, तो एक छोटा सा आइस क्यूब हमारे पास आ जाता है. उसका शेप कौन सा होता है? क्यूब. वेरी गुड. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा बुक के पेज की तरफ भी चलते हैं, ठीक है?
अच्छा, बुक के पेज में ये बताइए कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम डेट डालते हैं। क्या करते हैं? डेट डालते हैं। भाई आप अपनी मम्मा से थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए मम्मा से, वो आपको डेट डाल देंगी। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? आइकन्स। आज हम आइकन्स देखेंगे। आइकन्स हमें क्या बताते हैं कि भाई आइकन्स हमें ये कहते हैं कि इस पेज पे हमें ये काम करने हैं। तो पहला आइकन कौन सा है? रीड। रीड, क्योंकि फिंगर आ रही है, फिंगर नज़र आ रही है, तो ये फिंगर हमें क्या इंडिकेट करती है? ये फिंगर हमें कहती है कि अब आपको क्या करना है? रीड। क्या करना है? रीड। वेरी गुड। और नेक्स्ट आइकन कौन सा है? नेक्स्ट आइकन है कलर। क्योंकि हमें कैट नज़र आ रही है और ये कैट साहिबा हमें क्या कहती हैं? वो भाई यही कहती हैं कि जल्दी से अपने क्रेयॉन्स उठाइए और ब्यूटीफुल सी कलरिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमने दो काम करने हैं, एक रीड और एक कलरिंग। ओके, चलें देखते हैं इस पिक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है। भाई इस पिक्चर में तो मुझे एक ज़ेब्रा नज़र आ रहे हैं, और कौन है? और अहमद भी नज़र आ रहे हैं, और कौन है भाई? किटन भी मौजूद हैं यहाँ पर, और डाइस भी मौजूद हैं। देखिए डाइस भी मौजूद हैं, हमारे पास भी डाइस मौजूद हैं, और भाई बॉक्स भी रखा हुआ है, बड़ा सा बॉक्स से लगता है, और क्या है भाई, गिफ्ट बॉक्स भी है, इन्हें किसी ने गिफ्ट भेजा है अहमद को। और क्या है भाई, अहमद एक क्यूब शेप के सोफे पर बैठे हुए हैं। वाओ भाई, इतनी सारी क्यूब शेप की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इस पिक्चर में, आपको नज़र आ रही हैं। भाई ये सब क्या कर रहे हैं? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लूडो की तैयारी हो रही है, लूडो खेला जा रहा है, और भाई इतने में एक बैल बची होगी, तो ज़ेब्रा जो है वो उन्होंने गिफ्ट रिसीव किया है और अब वो गिफ्ट अहमद को ला कर दे रहे हैं। ठीक है, और भाई क्या है, ये सब तो पार्क में बैठे हुए हैं, वाओ कितना इंजॉय कर रहे हैं, इज़न्ट इट। पार्क में तो बहुत मज़ा आता है। भाई ये सामने घर किसका नज़र आ रहा है? ये ऐसा लग रहा है अहमद का ही घर है। तो भाई चलें इनको ऐसा करते हैं, हम लूडो खेलने देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम भाई कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं। भाई इनके गेम में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब हम इनके गेम के ख़त्म होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना। चलें हम अपना काम करते रहते हैं, इन्हें अपना काम करने देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग कलरिंग उठाइए और इस पिक्चर में अच्छे से कलरिंग कीजिए। जब तक आप लोगों की कलरिंग ख़त्म होगी तब तक इनका भाई गेम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से खेलिएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कलरिंग स्टार्ट कीजिए, और क्या करेंगे, और आपने क्यूब शेप की चीज़ें अपने घर में कलेक्ट करनी है। करेंगे ना आप लोग? भाई आप लोग ब्लॉक्स आपके पास होंगे, ठीक है, आप उन ब्लॉक्स को जमा करके अच्छा सा क्यूब शेप बना लें, ठीक है, कलरफुल सा। और क्या करेंगे, फिर आप अपनी टीचर को शो करेंगे, करेंगे ना, जब वो आपको कॉल करेंगी वीडियो कॉल, तो आप उन्हें वो शेप क्यूब बनाकर आप उन्हें शो करिएगा। ठीक है, और अपनी कलरिंग भी शो करिएगा। और क्या करेंगे भाई, आप लोग अपना ख्याल भी तो रखेंगे, रखेंगे ना। ओके, वेरी गुड। ओके प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।